रोमियों का किताब दूसरा अध्याय उसका चार वचन चौथा वचन। क्या तू उसकी कृपा और सहनशीलता और धीरज रूपी धन को तुझ जानता है? क्या यह नहीं समझता कि परमेश्वर की कृपा तुझे मन फिराव को सिखाती है? परमेश्वर की कृपा हमें मन फिराव को सिखाती है। परमेश्वर का सहनशीलता, उनका धीरज हम सभी के लिए सारे धन से भी बढ़कर बड़ा धन होता है। उस दया और उसकी कृपा आपको चंगाई देने के लिए, मतलब आपका जीवन को आशीषमय मार्ग में, जीवन के मार्ग में ले जाने के लिए परमेश्वर चाहता है। मसीह जीवन में हम लोग कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई ऐसा कोई जुगाड़ नहीं है, कोई उपाय नहीं है। एक ही है, उसके अनुग्रह पर भरोसा करना ही काफी बातों को आपका जीवन में सॉल्व कर देगा। ए टू जेड कहते हैं, मतलब शुरू से लेकर लास्ट तक जो भी होगा जीवन में, उसके अनुग्रह के बगैर कुछ भी नहीं होगा। इस वचन को इसलिए मैं लिया है क्योंकि काफी सारे लोग, मतलब कुछ लोग हैं जिनका मन में भावना होती है परमेश्वर इस दुनिया को दंड दे रहे हैं, कोरोना वायरस को भेजते हैं कि लोगों को मारे, दंड दे, ऐसा करके लोगों की बात तो को कभी मैं सुनता हूँ, तो गलत भावना को, गलत मनोभावना को बदलना है, इसके लिए ऐसे वचनों को मैं समझाना चाहता हूँ। परमेश्वर न्याय विधि करेंगे कि नहीं? करेंगे नहीं करेंगे करेंगे अभी ये कोरोना वायरस क्या न्याय विधि है? नहीं, तो देखो न्याय विधि होने वाला है, वो भी इस रोमियो के दो में ही लिखा हुआ है। लेकिन अभी सबसे पहले इंसान को मन फिराव, एक सच्चाई मन फिराव जो है इंसान के जीवन में कब आता है, जब वो परमेश्वर का प्रेम और उसका अनुग्रह को बराबर समझ लेते हैं, तभी उसका जीवन में मन फिराव के अनुभव हो जाता है। तो इस अनुग्रह को तुच्छ गिनते रहेंगे, हमेशा उसको फेंकते रहेंगे, टालते रहेंगे, इनकार करते रहेंगे, आखिर में जाकर इंसान के ऊपर परमेश्वर का न्याय विधि आ जाता है। वही बात वचन 6 में लिखा हुआ है, 6 वचन रोमियों 2 का 6। वह हर एक को उसके कामों के अनुसार बदला देगा। तो बच्चे लोग भी वचन बोल रहे थे वचन संहिता से, परमेश्वर न्याय विधि देंगे, बदला लेंगे, लेकिन ये कोरोना वायरस एक बदला नहीं है, ये तो बीमारी है, शैतान की प्रेरणा से बनाए हैं। तो ऐसे चीज है, हम परमेश्वर के ऊपर दोष नहीं लगा सकते हैं। हम यही विश्वास करते हैं परमेश्वर इसके लिए दवा बनाने के लिए मदद करेंगे, और इस बीमारी को चंगा करने के लिए हम हिम्मत से प्रार्थना कर सकते हैं। बल्कि ऐसा हम नहीं कहना चाहिए, परमेश्वर लोगों का भी दंड दे रहे हैं, अभी परमेश्वर अनुग्रह दे रहे हैं, इस अनुग्रह को इंसान इनकार कर देते हैं तभी उनके ऊपर दंडाज्ञा आने लगता है। परमेश्वर का अनुग्रह है मन फिराव के और इंसान को लेके जाता है। मन फिराव एक बड़ी दया है। मैं भी कोशिश करते रहता हूँ, मैं प्रचार करते रहता हूँ, प्रार्थना भी करते रहता हूँ। कुछ लोग मन फिरते हैं, कुछ लोग मन नहीं फिरते हैं, लेकिन मैं परमेश्वर के अनुग्रह के भरोसा में इस बातों को मैं करते रहता हूँ। मैं विश्वास करता हूँ जरूर उसका अनुग्रह है लोगों को एक दिन मुलाकात करेगा। ये विश्वास के साथ मैं भी धीरज के साथ यही बातों को कहते रहता हूँ। बाइबल में कहता है जीवन के तरफ लाने वाले मन फिराव ऐसा बता रहे हैं, और उद्धार के लिए लेके जाने वाले मन फिराव है, और परमेश्वर का अनुग्रह से
आपके अंदर ये चीज होता है। और मन फिराव करने से इंसान अपने मनोभावना में एक बदलाव को लाता है, उसका पापों की तरफ उनकी मनोभावना जो है वो बदल जाता है। केवल पापों को छोड़ दिया इतना ही नहीं है, उसको इनकार करके प्रभु की तरफ मोड़ के आ गया उतना ही नहीं है, और उस पापों के विषय में उनका जो विचार है बदल जाता है। तो यही सच्चाई मन फिराव है। कुरिन्थी कलीसिया के लिए लिख रहे हैं, तुम लोग परमेश्वर की तरफ से जो दुख है उस दुख आपने पाया, इसके द्वारा तुमने मन फिराया, इसके लिए मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि जब से तुम मन फिराए तुम्हारा अंदर इतना उत्साह, इतना आनंद, इतना ताकत, इतना प्रेम, इतना धुन से रहते हो, ऐसा उन लोगों के बारे में बता रहे हैं। देखिए, लोगों को उत्साहित करने के लिए कभी कभी कोशिश करते हैं, लोगों को, कुछ लोगों को ये लगेगा आराधना में मुझे इतना जोश नहीं आ रहा है, उत्साहित नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर आपका गाना धीरे से गाते हो, फास्ट गाना नहीं है, ऐसे ऐसे कुछ लोगों के मन में विचार हो जाता है। देखो, उत्साहित कराने के लिए ये सारे ढोल बजाने से भी इंस्ट्रूमेंट बाहर से नहीं है मेरे भाई बहन, आपके अंदर से परमेश्वर उत्साहित मन को देना चाहते हैं। तो तभी मुझे पता चलता है ये लोग सच्चाई मन फिरा हुए हैं, क्योंकि उनके अंदर प्यासा लग जाता है प्रभु के वचन के और प्रभु की बातों के, और धुन से रहते हैं, कोई भी प्रभु के लिए करने के लिए उत्साहित मन अपने आप से आ जाता है, बिना कोई बोले करेंगे। वही सच्चाई मन फिराव, यही योहन्ना भी कहते मन फिराव की फल तुम लाओ, वही फल है परमेश्वर के अनुग्रह है आपका जीवन में लाना चाहते हैं। अनुग्रह है मन फिराव की ओर लेके जाता है। दंड का विषय के बात कर रहे हैं, बाइबल में हम देख रहे हैं, प्रकाशित वाक्य में भी कुछ वचन है और भी वचन है, लोग जब लोगों को दंड दे रहे थे परमेश्वर, वहां पर लोग मन नहीं फिराते थे, केवल प्रभु को ही गालियां देते थे। तो इसलिए परमेश्वर को मालूम है, इसलिए अनुग्रह से आज आपके मनों को बदलना चाहते हैं, दूसरे के कारण नहीं, आपका ही भली चंगाई के लिए सबसे पहले अनुग्रह है आपके अंदर मन फिराव की ओर लेके जाना चाहते हैं। पहले एक सदी में कलीसिया में जब यहूदी लोग आते थे, पहले बाद में बिन यहूदी मतलब अन्य जाति लोग भी परमेश्वर की कलीसिया में आने लगा, जब वो लोग आने लगे वहां पर वो यहूदी लोग क्या बोलते थे, वहां के सेवक लोग है लिख रहे हैं, यहाँ पर बता रहे हैं, जीवन की तरफ जाने वाले मन फिराव परमेश्वर ने अन्य जाति लोगों को भी दिया करके वो लोग परमेश्वर को महिमा किया है। परमेश्वर ने अनुग्रह को प्रदान किया है। पढ़िए प्रेरित का काम 11 का 18 वचन, अरुली चेदार मतलब मन फिराव भी एक अनुग्रह है, आपको दान के रूप में दिया जा रहा है, जिसमें आपके मन बदल जाते हैं, पापों को नफरत करने लगते हैं और प्रभु के तरफ प्रेम करने लगते हैं। उस अनुग्रह आज आपसे बात कर रहा है। प्रेरित 11:18 पढ़ना, 18 वचन। यह सुनकर वे चुप रहे और परमेश्वर की बड़ाई करके कहने लगे, तब तो परमेश्वर ने अन्य जातियों को भी जीवन के लिए मन फिराव का दान दिया है। दान दिया है, दान परमेश्वर की तरफ से दान है। परमेश्वर आपको मन को बदल सकते हैं, केवल अपना तन मन धन प्रभु को दीजिए, आज आपके मन में एक बदलाव हो जाएगा और पापों के विषय में आपको पता चलेंगे, भले मिठास लगा होगा आपको, लेकिन जब परमेश्वर का प्रेम को स्वाद चखेंगे आपके लिए पता चलेगा पाप एक जहर जैसे चीज है, वो हमको ऐसे ही बंद करके रखने वाला चीज है, ऐसा आप उसके ऊपर नफरत करना शुरू कर देंगे। लेकिन ऐसा मत सोचो पाप हमेशा के लिए आपका जीवन से
चला गया, ऐसा तो नहीं है। इब्रानियों ने 12 में बोल रहे हैं, ऐसा उलझाने वाले पाप जो आसपास में हमेशा खड़ा रहने वाले खटखटाने वाले पाप है, जब तक आपके मनोभाव उसके प्रति नहीं बदलेंगे, कभी भी आपके अंदर फिर हुक्म चलाने के लिए शैतान कोशिश करेगा। तो पाप की मजदूरी मृत्यु है, परमेश्वर का अनुग्रह है, यीशु मसीह के द्वारा मिलने वाला अनंत जीवन है। तो अनंत जीवन जो है अनुग्रह से हमें पाना है। मन फिराव करते हैं मतलब प्रभु के तरफ अपने मन को मोड़ते हैं, जरूर हमारा मन में पवित्र आत्मा कार्य करते हैं, बड़ी बदलाव को लाते हैं। जो चीज पहले हमें अच्छा लगता था, बहुत आनंद लगता था, उस चीजों का हम नफरत करने लगते हैं। यही अनुग्रह का काम है, वो आपके अंदर आनंद को लेके आता है। आप ये कहने लगेंगे कितना आनंद है, मेरे पापों को परमेश्वर ने क्षमा कर दिया है। अनुग्रह लोगों को बचाता है। परमेश्वर का नियम मूसा के द्वारा दिया गया था, आपको मालूम है, जिस दिन वो दिए गए थे उसी दिन ही जब मूसा नीचे आ रहा था, लोग पाप कर रहे थे, उस समय में हम देख रहे हैं परमेश्वर की दंड आया, उसमें 3,000 लोग मर गए हैं। लेकिन अनुग्रह के संदेश प्रेरित लोगों ने प्रचार करना शुरू किया है। सबसे पहले पत्रस प्रचार कर रहा था, भजन संहिता 16 से लेकर ये अनुग्रह के सुसमाचार को प्रचार कर रहा था। क्या है सुसमाचार? यीशु हमारे पापों के लिए आया है, लहू बहाय बलिदान हो गया है, और पिता परमेश्वर ने उसको तीसरा दिन जिंदा कर दिया है, और उसको उठाकर सारे चीजों से ऊपर रखा, उनको मसीह और उद्धारकर्ता प्रभु बनकर सबके सामने उसको प्रदर्शित किया है। यही संदेश को सेम आप पढ़ोगे प्रेरित में लिखा है, पत्रस वहां पर प्रचार कर रहा था। जब प्रचार किया तो क्या हो गया है, पवित्र आत्मा लोगों के मन में काम करने लगा। वो लोग आके पूछने लगे, हम लोग क्या करना चाहिए, पत्रस जी हम क्या करना चाहिए? तो कहा ऐसे ऐसे करना है, ऐसे ऐसे करना है, उनको सिखाने लगा। वहां पर लिख रहे हैं 3,000 लोग बच गए हैं। तो कौन सा अच्छा है, अनुग्रह चाहिए नियम चाहिए? जरूर व्यवस्था तो अच्छा है, पौलस बताते रहते हैं व्यवस्था तो अच्छा है, नियम तो चाहिए, लेकिन आपको बचाने के लिए केवल अनुग्रह ही आपका जीवन में बचा सकता है। धर्मी ठहराए जाते हैं, उसके द्वारा अनंत जीवन को पाते हैं। आपके व्यवस्था के कामों से कोई भी धर्मी नहीं ठहरा पाते हैं। अनुग्रह से विश्वास से परमेश्वर आपको धर्मी ठहराना चाहते हैं। इस अनुग्रह के प्रचार को शैतान बहुत नफरत करता है, क्योंकि इस अनुग्रह से लोग बच जाते हैं। 3,000 लोग बच गए हैं, और इतना भी नहीं, वहां पर आखिर में प्रेरित को किताब में हम आगे 4 अध्याय में देख रहे हैं, हर दिन परमेश्वर लोगों को कलीसिया में लेते आया है। अनुग्रह लोगों को बदल देता है। दंड तो देंगे आखिर में, लेकिन परमेश्वर अभी अनुग्रह आपको देना चाहते हैं। उस अनुग्रह से आप मन फिरना है। पापों की तरफ आपकी जो आइडिया है, ये नहीं सोचना, रे तो छोटा पाप है, सब कर रहे हैं, इसमें क्या बड़ी बात है, अरे ये छोटा से तो मैं कर रहा हूँ, ऐसा करके कोई भी दूसरे को दोष नहीं लगाएं, दूसरे को बहाना नहीं निकालें, उसके लिए अनुग्रह के भरोसा करो, कोई भी बंधन हो उसमें सब छुटकारा मिलेगा। देखो परमेश्वर जो भी हमको कहते हैं हमारा आनंद के लिए कहते हैं। एक बार एक लोग गेम खेल रहे थे, कुछ वॉलीबॉल है क्या है, गेम खेलने में उसमें जो जो लाइन लगाते हैं है ना, मालूम है ना, इधर बॉल इधर जाए, मुझे इतना आइडिया नहीं। तो एक आदमी गया रेफरी का काम करने के लिए, देखा तो सारे लाइन इधर उधर गलत जगह में लगे हुए हैं, सारे प्रॉब्लम में कुछ दिखता नहीं, दो ग्रुप खेल रहे थे, पूरा पूरा कन्फ्यूजन वहां पर आने लगा। वो आउट बोल रहा है, वो बोल रहा है आउट नहीं है, क्योंकि लाइन्स बराबर नहीं है, तो सीमा बराबर नहीं है, कोई सीमा नहीं है। देखो लोग चाहते हैं फ्रीडम, लेकिन फ्रीडम हमारे लिए हानिकारक हो जाएगा। जहां पर प्रभु का अनुग्रह नहीं है, फ्रीडम भी इंसान के लिए
हानिकारक हो जाता है। जैसे अभी छोटे बच्चे है, रोड पर कुछ पड़ा है, लेके खाने लगेंगे, मम्मी पापा मना क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो जानते हैं उसके शरीर के लिए हानिकारक रहेगा। आज परमेश्वर का जो भी बातें है आपके लिए दिए हैं, प्रेमी बात है, अनुग्रह है, उसको मान लो, क्योंकि आपकी भलाई के लिए परमेश्वर कह रहे हैं। बात मानना चाहिए, बात मानना मसीही जीवन में अनिवार्य है। एक तो सलोने की 4 में पौलुस कह रहे हैं, जो भी बातें हम लोग आपको सिखाए थे, कैसे चलना चाहिए, कैसे चाल चलन होना चाहिए, हमने आपको सिखाए हैं, उसमें आप अधिक अधिक बढ़ते जाने के लिए मैं आप लोगों को मैं विनती करता हूँ। जो भी बातें यहाँ पर सीख रहे हो उसको आप काम पे लगाने के लिए, उसमें बढ़ने के लिए परमेश्वर चाहता है। इसमें और भी आपको बढ़ने के लिए परमेश्वर चाहते हैं। 1 थिस्सलुनीके 4:1 पढ़ी है। इसलिए हे भाइयों, हम तुमसे विनती करते हैं और तुम्हें प्रभु यीशु मसीह में समझाते हैं कि जैसे तुमने हमसे योग्य चाल चलना और परमेश्वर की प्रसन्न करना सीखा है, और जैसा तुम चलते भी हो वैसे ही और भी बढ़ते जाओ। देखो अनुग्रह पाते हैं, उस अनुग्रह को इस्तेमाल करते हुए परमेश्वर की योग्य चाल में चलना है। यहाँ लिख रहे योग्य चाल चलना है, परमेश्वर को प्रसन्न करना है। तो परमेश्वर का अनुग्रह आपको सही रास्ता में चलाना चाहते हैं, हानि कारण से आपको बचाना चाहते हैं, आपको आजाद करना चाहते हैं, चंगाई देना चाहते हैं, आपका जीवन का उन्नति परमेश्वर चाहते हैं। परमेश्वर का अनुग्रह है, यीशु मसीह के द्वारा हमारे ऊपर प्रदान किया गया है। दूसरा कुरिन्थी में लिख रहे हैं, हम धनी बनाने के लिए हमारे लिए गरीब बन गया है। तो इसको कहते हैं डिवाइन एक्सचेंज, परमेश्वर का ट्रांसैक्शन, लेन देन क्रूस पर हुआ है, उसको बार बार हमें याद रखना चाहिए। दूसरा कुरिन्थी 8:9 पढ़ लेते हैं। पढ़ना। तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो कि वह धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया, ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ। धनी हो जाओ। देखो ये हर चीज में इसको हम लागू कर सकते हैं, पैसे के विषय में भी, कृपा के विषय में, पवित्र जीवन, हर चीज में वो अपना पवित्रता हमें दिए हैं, हमारा पाप वो अपने ऊपर ले लिए हैं, हमारा श्राप को ले लिया, उनके आशीष को हमें दिया है, हमारा सारे नेगेटिव वो ले लिया, उनका सारे पॉजिटिव हमारा में दे दिया है। इस विश्वास से हम उसको प्राप्त करना है। प्रॉस्परिटी परमेश्वर आपके लिए रखा है। कुछ लोग प्रॉस्परिटी डॉक्ट्रिन गलत करके उसको भी रिजेक्ट कर देते, रिजेक्ट किया बस अनुग्रह को रिजेक्ट कर रहे हो। चंगाई देना चाहते हैं, क्योंकि वो हमारा बीमारी ले लिए, उनका चंगाई हमें दे दिए। हम पिता से अलग थे, वो हमारे लिए पिता से 4 घंटा अलग हो गए, ताकि हमको पिता से जोड़ने के लिए। अनुग्रह फ्री है, लेकिन बहुत प्राइस है उसका, बहुत कीमती है। पिता परमेश्वर अपने एकमात्र पुत्र को दुनिया में भेजा है। योहन्ना 3:16 में बोला, पिता ने जगत पर इतना प्रेम के एकलौता पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे नाश न हो परंतु अनंत जीवन को पाए। रोमी 8 में पौलुस इस बातों को बता रहे हैं, जब निज पुत्र को भी हमारे लिए दिए, उनके साथ हमारे लिए सब कुछ क्यों नहीं देंगे। वेल्थ एंड वेल्थ परमेश्वर देना चाहते हैं, वो नहीं देंगे करके मना करने के लिए मुझे कैसे हिम्मत हो सकता है। ग्रेस प्रीचर करके कुछ लोगों को लोग इनकार कर देते हैं, लेकिन बाइबल कृपा के ऊपर ही प्रचार करते रहता है। पौलुस बोलता है, मैं जो भी हूँ सो हूँ, परमेश्वर के अनुग्रह से हूँ। और प्रेरित 20 में बोलते हैं, अनुग्रह का सुसमाचार ऐसा बता रहे हैं। और गलती में एक में बोल रहे हैं, माँ के गर्भ में उसने मुझे अनुग्रह से बुलाया है, ताकि मैं इस मसीह के सुसमाचार लोगों के पास में पहुंचा दूं। देखो बाइबल में परमेश्वर एक ऐसे कोई ज्ञान नहीं है, कोई सिद्धांत नहीं है, कोई फार्मूला नहीं है। पिता ने यीशु मसीह को
हमको दिया है, उसको हमारा मनों में प्रकट कराया है, उसी को हम दूसरों को प्रकट करने के लिए वही हमें कृपा देता है। जब यीशु मुझ में है वो बाहर दिखने बगैर रहेगा नहीं, चुपके से रहेगा नहीं, जरूर बाहर दिखाई देगा, जरूर परमेश्वर जीवन को बदलेगा, वो मेरे अंदर से काम करता रहेगा और उसको बाहर करने के लिए मुझे मदद करेगा। वो बात माना था, उस अनुग्रह के संदेश को जब मैं मानता हूँ मैं भी बात मानने वाला बन जाता हूँ। उसकी आत्मा हमको मदद करता है। अनुग्रह का संदेश एक बड़ा सागर जैसे संदेश है, एक तो एक सैंपल जैसे छोटे बातों को मैंने अभी बताया है, लेकिन कृपा को जब पाने लगेंगे आपके जीवन नदी जैसे बहता रहेगा, आपका जीवन का हर क्षेत्र को हरा भरा कर देगा। परमेश्वर की न्याय विधि है, परमेश्वर की कृपा भी है। याकूब लिख रहा है भाई परमेश्वर का दया न्याय विधि से बड़ा है, तो दया दिखाने वाले परमेश्वर है। न्याय विधि है लेकिन अभी इनकार करने से बात में है, लेकिन अभी आपके लिए अनुग्रह का संदेश है। अभी मैं लंबा चौड़ा प्रचार करूंगा, जरूरी नहीं है, जो भी बात अभी सुने हो इसको आप अपना जीवन में लागू करो, आपका जीवन आनंदमय जीवन हो जाएगा। मैंने जो पाया है उस अनुग्रह मैं आपको बांटना चाहता हूँ। अभी जितने भी गीत परमेश्वर ने मुझे दिया है वो भी मेरा अनुभव के द्वारा परमेश्वर दिया, वो भी एक कृपा है। मेरा कुछ ज्ञान नहीं है, मेरा कुछ कुबियत नहीं है, ऐसा गीत परमेश्वर देते वो भी एक अनुग्रह है। इसमें भी मुझे गमन करने का कुछ भी नहीं है और मैं परमेश्वर की सेवा कर रहा हूँ, ये भी मेरा कुबियत नहीं है, ये भी परमेश्वर का मान अनुग्रह है। उसके लिए जो भी मेरे पास परमेश्वर ने लोगों को लाए हैं, मेरे को अच्छे परिवार को दिए, अच्छे बच्चे लोगों को दिए हैं, जो भी विश्वासी लोगों को दिए हैं, कवास में, इच्छापुर में, यहाँ पर अंकलेश्वर में, इवन यूपी में भी, जहाँ पर भी लोगों को दिए हैं, ये भी मैं समझता हूँ ये परमेश्वर का महान अनुग्रह है। पौलुस लिख रहा है हम विश्वास योग्य जानकर, विश्वास योग्य गिनकर उसने महान सेवा अनुग्रह से उनको दिया, मुझे भी दिया, आपको भी दे रहे हैं। अनुग्रह को स्वीकार करना ही मसीह जीवन में मेन संदेश है, बाकी सब इसके पीछे पीछे आता रहेगा। या तुम अच्छे व्यक्ति होने से अनुग्रह आपको मिलता है, ऐसा नहीं है। अनुग्रह मिलने से आप अच्छा व्यक्ति बन जाते हो, परमेश्वर की आत्मा मदद करता है, तो इस बातों का विश्वास करेंगे आयम खड़े हो जाएंगे। अनुग्रह के आदिन में हो जाओ, ग्रेस प्रीचिंग मतलब अनुग्रह के संदेश को तुच्छ मत गिनना। जहां पाप बढ़ गए वहां पर अनुग्रह बढ़ता गया है, क्योंकि बीमारी बढ़ने से उसका दवा भी बढ़ना पड़ता है। मानव जाति के लिए महान अनुग्रह की जरूरी था, तो इसलिए यीशु मसीह आया है, अनुग्रह और सच्चाई से भरपूर था। यूहन्ना 1 में लिख रहे हैं उसके द्वारा हम अनुग्रह के ऊपर अनुग्रह को प्राप्त करते हैं। जब मन फिराव के अनुभव में आप आते हो, बपतिस्मा के अनुभव में हम आते हैं, एक अनुग्रह के ऊपर दूसरा अनुग्रह आता है, पवित्र आत्मा का अभिषेक हम पाते हैं, इसके बाद पवित्र जीवन बिताने में पवित्र आत्मा मदद करता है, कृपा का स्टेज 3 स्टेज 4 ऐसे बढ़ते जाता है, बाद में सेवकाई करने में भी पवित्र आत्मा में मदद करता है। यीशु के नाम से बीमारियों के लिए प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर की आत्मा उनको चंगाई करते हैं, यह भी परमेश्वर का अनुग्रह है। कोई भी मनुष्य गमन नहीं कर सकते, परमेश्वर का अनुग्रह है, उस अनुग्रह के संदेश को स्वीकार कीजिए। स्वर्गीय पिता हम आपको धन्यवाद करते हैं, आपका अनुग्रह की संदेश के लिए हम धन्यवाद करते हैं। अनुग्रह पापों से बचाता है, पाप करने नहीं देता है, पाप से हमें छुड़ाता है, पाप करने से हमें रोकता है, पापों की हानि से हमें बचाता है। इस संदेश के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं और अनुग्रह से आप हमें दिए हुए परिवार, सेवकाई, जो भी आर्थिक आशीष, हेल्थ, वेल्थ, नौकरी जो भी है, सभी के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं और भी इस अनुग्रह का स्वाद चखे और भी अनुग्रह बढ़ते जाएं, दूसरों को भी इस अनुग्रह को बांटने वाला एक एक इंसान बन जाए। एक एक के ऊपर हम तेरे पवित्र लहू को चिटकाते हैं। जो भी वायरस है, जो भी बीमारी दुनिया में फैल रहे हैं, इसमें से सबको बचा के रखने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। पूरे हफ्ते इनके साथ रहिए, वचन से
बात कीजिए, इनका जीवन को बदलते जाइए ताकि ये स्वर्गीय वारिस बने, आपके महिमा के लिए, अडुग्रह के लिए गवाही बन सकेंगे। शाम को मीटिंग्स को भी, आगे मीटिंग्स को भी अगुवाई कर, आशीष कर। यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ स्वर्गीय पिता, आमीन।